अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वर्दा शोएब एंड वंस अगेन वेलकम टू रिवायतों की लज्जत। हर बार की तरह आज भी लेके आए हैं हम आपके लिए एक ऐसी डिफरेंट कम्युनिटी का कुजीन जिसके खाने खास तौर पे बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं और डिफरेंट भी हैं और हर कोई इजीली उनको अपने घर में नहीं बना सकता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उनके रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई करूँ बनाने की भी और खाने की भी, लेकिन वही बात है, जहाँ बात आती है रिवायात की, वहाँ पे जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो हमें नहीं मिलती। तो इसीलिए आज रिवायतों की लज्जत में हम लेके आए हैं बड़े ढूंढ ढांड के हमारी गुजराती कुजीन की कुकिंग एक्सपर्ट, जो कि ख़ुद गुजरात से भी ताल्लुक़ रखती हैं, और वो हमें बताएंगी गुजराती कुजीन किस तरह से बनता है और गुजराती की स्पेशलिटी ऐसी क्या है जो वो आज बनाना सिखाएंगी। आइए इनवाइट करते हैं कुकिंग एक्सपर्ट अनिला जी को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक जी। आप बताइए, आपका ताल्लुक गुजरात से है? जी गुजरात से। अच्छा जी, आपके इन लॉज गुजराती हैं या आप खुद जो है वो गुजरात से ताल्लुक? सारे गुजराती। और आप? मैं भी गुजराती हूँ क्योंकि उनकी बेटी हूँ। अच्छा अच्छा, आप भी गुजराती ही हैं। अच्छा, तो आप बताएं कि आज आप हमें क्या बनाना सिखा रहे हैं? मैं दाल चावल पलीदा बनाना सिखा रही हूँ। ये अरहर की दाल से बनता है। दाल चावल पलीदा? जी। तो ये नॉर्मल दाल चावल होते हैं जो जैसे हमारे हिंदुस्तानी घरों में बनते हैं? नहीं, ये नॉर्मल दाल चावल नहीं होते, इसमें बहुत स्पाइसेस जाते हैं और ये बहुत मेहनत से बनता है। अलग तरीके से, अलग तरीके से मेहनत से, मेहनत से भी थोड़ा सा बनता है। अच्छा, और इसके अलावा क्या बनाने बता रही हैं आप हमें? और बोरा चिकन फ्राई। बोरा चिकन फ्राई, अच्छा ये बोरी डिश है या नहीं? ये भी गुजराती है? ये गुजराती बोरी, क्योंकि बोरी अच्छा, भी गुजराती ही बोलते हैं तो सब गुजरात में ही आता है। अच्छा, तो ये एक तरीके से एक मिक्स कम्युनिटी कहलाती है। चलें जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम किस चीज़ से? दाल चावल पलीदा। पलीदा दाल चावल से। अच्छा, ये बनती है अरहर की दाल से। जी जी। दोस्त आइए, आप यहाँ ये वाला काउंटर संभाल लीजिए, मैं उधर चली जाती हूँ। शुक्रिया जी। तो सबसे पहले आप क्या पॉट ले लें आप? अच्छा, तो ये आप दाल जो है ये बॉईल करके लाई हैं घर से, क्योंकि अरहर की दाल तो बहुत देर से गलती है ना? जी, मैं बॉईल करके लाई हूँ और हमें बॉईल करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि हमें इसका स्टॉक फेंकना नहीं है, स्टॉक से ही दाल बनेगी। अच्छा, और इंग्रेडिएंट्स तो मुझे काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे ना? हाँ, तो चलें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पे हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं जी। चलें जी। अच्छा, स्लीव बचा के अपनी। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें? ऑयल, ऑयल चाहिए। ऑयल वो रखा हुआ राइट पे। मैं यहाँ पे अनिला जी की जो है वो आज, अब मैंने जो है वो शेफ़ का काम छोड़ दिया है जब से मैंने ये शो स्टार्ट करा है। मैं जो है वो एक सू शेफ़ बन गई हूँ, असिस्टेंट हो गई हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी गेस्ट हमारे यहाँ पे आते हैं मैं उनकी हेल्प करती रहूँ, राइट अनिला जी? जी बिल्कुल जी। ये आधा कप तेल है। अच्छा, हमने तेल कितना लिया? आधा कप। हाफ अ कप हमने तेल लिया जी। प्याज डालूं? अच्छा जी, तेल जैसे ही गर्म हुआ है उन्होंने इसमें मेथी दाना डाला है तकरीबन हाफ अ टी स्पून। हाँ, और एक प्याज तकरीबन हाफ अ टी स्पून जो है इन्होंने मेथी दाना डाला है, उसको थोड़ा सा उन्होंने फ्राई किया क्योंकि तेल गर्म था, तो उन्होंने फौरन ही जो है वो एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी। और अनिला जी ढूंढ रही हैं इस वक्त मेरे ख्याल से चम्मच। नहीं, ये मेरे पास है। क्या? और ये रहा, ये दाल का स्टॉक है जिसके अंदर हम, मैं यहाँ पर थोड़ा चलाते ही रहूँ मैं इसको। हाँ, अच्छा, अब दाल के स्टॉक में आपने क्या डाला? हल्दी एक चम्मच। अच्छा, एक चम्मच पिसा हुआ धनिया। अच्छा, इसमें गया है जी, दाल के स्टॉक में डाला है सबसे पहले इन्होंने लाल मिर्च डाली है पिसी हुई एक चम्मच, फिर इन्होंने धनिया पाउडर डाला है बिल्कुल एक चाय का चम्मच, और हल्दी पाउडर डाला है। कितना डाला है आपने हल्दी पाउडर? एक पिंच पिंच, क्योंकि हम पिंच इस्तेमाल कर चुके हैं हम बॉइल करने में इसकी वजह से। अच्छा जी, और बॉइल करने के लिए जैसे ही प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगी उसमें आपने अदरक लहसुन डाल, अदरक लहसुन डालना है 1 टीस्पून भर के, और उसको आपने चला लेना है और फिर हम ये यहाँ। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे ये स्टॉक, दाल का स्टॉक जो हमने सेव कर लिया था। इसमें खटाई के लिए मैंने इमली डाली है, खट्टापन आए, ताकि आपने स्टॉक में ही डाल दी थी। अच्छा, यानी कि जब दाल बॉईल कर रहे थे आप, तो आपने दाल बॉईल करते हुए आपने उसमें इमली भी डाल देनी ताकि थोड़ी सी खटास आ जाए। जैसे इसमें उबाल आएगा तो हम इसमें बेसन, 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच बाजरे का आटा घोल कर फिर हम उसमें डाल देंगे। अच्छा अच्छा, तो आप इसी में ही घोल लेंगे? जी बिल्कुल इसी में। सही। अच्छा, अब क्या डलेगा इसके अंदर? अब इसमें मटन डलेगा जो पहले से बॉईल किया हुआ है, लेकिन आपको फ्लिप करना है। अच्छा अच्छा, यानी कि इस पे डिफरेंस जो है वो ये है कि हम इसमें मटन डालेंगे। अच्छा,
तो अच्छा, आप टाइम सेव करने के लिए मटन पहले से बॉईल करके लेके आए हैं, लेकिन हमने उसी वक्त ही डालना है। तो कितना मटन है इसमें? ये एक पाव डालें क्योंकि ये आधा पाव होगा, और अगर हम आधा किलो लेंगे तो फिर एक पाव होगा मटन। यानी कि जितनी भी दाल की रेशो है उससे हाफ क्वांटिटी का हमें मटन यूज करना है। अच्छा, जरूरी है मटन करना, हम चिकन यूज करना चाहिए? चिकन भी यूज की जा सकती है, लेकिन बेसिक जो है वो मटन से ही बनता है, तो इसलिए मैंने ये मटन। अच्छा, पलीदा चावल बेसिकली जो है वो मटन से बनता है जी। जो है वो मटन से। अच्छा, ऑथेंटिक अगर आप रेसिपी चाह रहे हैं तो ऑथेंटिसिटी जो आती है वो इसकी आती है मटन से। एक पाव यहाँ पे अरहर की दाल ली है इन्होंने, और उसमें आधा पाव मटन लिया है। तो जी आप क्या करेंगे? हम इसमें है ना ये। अच्छा जी, अनिला जी यहाँ पे दो चम्मच बेसन और एक चम्मच बाजरे का आटा बिल्कुल घोल के इसमें हम मिक्स करके डाल। अच्छा, पानी का रेशो कितना लेना है? हम पकौड़ों के लिए करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी है, तो हम देखेंगे कितना थिक हो रहा है उसके बाद। सही। अच्छा, ये आपने तकरीबन ढाई चम्मच लिया है, ढाई टेबल स्पून उन्होंने बेसन लिया है और हाफ टेबल स्पून बाजरे का आटा। अच्छा, ये बाजरे का आटा कहाँ से मिलता है? ये बनाना पड़ता है? नहीं नहीं, चक्की से मिल जाता है। चक्की से इजीली मिल जाता है? अच्छा जी, बाजरे का कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन चक्की से, क्योंकि चक्की का आटा फ्रेश होता है, ये सब चक्की का है। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, वही वाली बात आ जाती है कि अगर आप रिवायती खानों की बात कर रहे हैं तो जो रिवायती लज्जत हमारे खानों में आती है वो आती है फ्रेश मसालों से, या फिर चक्की के उसी वक्त ताज़ा मसाले पिसे हुए हों। तो आहा, ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि अगर आप सिल के ऊपर पीसी हुई चटनी खाएं और मिक्सर में पीसी हुई चटनी खाएं, तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। अनिला जी इसमें डाल के मिक्स कर रही हैं, जब तक आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और रिवायतों की लज्जत में आज बन रहा है गुजराती स्पेशल कुजीन, जो कि है पलीदा दाल चावल और बोहरा फ्राइड चिकन। यहाँ पे हम जो है वो ऑलमोस्ट, ये पलीदा, मेरे ये पलीदा कहलाता है, राइट? क्या बात है, पलीदा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ब्रेक में जाने से पहले हमने इसमें, आप कंटिन्यू करिए, हमने इसमें तीन ढाई टेबल स्पून बेसन और बाजरे का आटा मिक्स करके डाला था, और साथ ही इन्होंने दो हरी मिर्चें मोटी वाली वो डाल दी थी, और पुदीना डाला था, और अब डाल रही हैं एक अदद टमाटर। अच्छा, ये ऐसे ही बड़े बड़े स्लाइस होकर डलेगा? जी जी बिल्कुल, क्योंकि कलरफुल लगेगा इसलिए। यहाँ पे पलीदा अलग बन रहा है और इसके चावल और दाल अलग बन रही है। अच्छा, अरहर की दाल इन्होंने अभी तक डाली नहीं है कहीं, तो मैं खुद सरप्राइज हूँ कि ये क्या करेंगी अभी, जब तक मैं इसको चला रही हूँ। अच्छा जी, अब एक दूसरा पैन ले लिया, और इसमें कितना कप ऑयल डाला आपने? आधा कप। आधा कप ऑयल डाल के उसमें एक बे लीफ डाला है, और आप मुझे बताती रहना, अब यहाँ पे इतनी दूर दूर आ रही है, मैं आपकी हेल्प मैं हूँ ना। हाँ, मुझे बता। हाँ, ये मुझे दे दे, जीरा भी दे दे। जीरा भी दे दी, और श्योर मैम, ऑलवेज एट योर सर्विस। अच्छा जी, अच्छा लगता है ना कभी कभी आप खुद ना बना रहे हो और आप खाली खड़े हुए देख रहे हैं और बता रहे हैं, अच्छा लगता है कभी कभी, मुझे बड़ा मज़ा आता है, और मुझे मज़ा आ रहा है ये शो करने में। अच्छा जी, और क्या चाहिए आपको? अच्छा, इन्होंने डाला साबुत गरम मसाला डाला है इन्होंने, जिसमें सबसे पहले ज़ीरा डाला इन्होंने, बेलीफ डाला थोड़ी सी, आपकी तकरीबन हाफ अ टी स्पून साबुत काली मिर्च डाली, हाफ अ टी स्पून ज़ीरा डाला, और कितनी आपने बड़ी इलायची डाली? दो बड़ी इलायची और तीन से चार लौंग। सही है जी, हमने सबसे पहले सारा साबुत गरम मसाला जो है वो डाल दिया, और उसके बाद आपने प्याज ब्राउन कितनी लेनी है? एक जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसके साथ दो, मेरा क्योंकि कम है तो इसलिए मेरे साथ। आप ही कितनी मेजरमेंट ले रही है, मुझे मेजरमेंट बताएं। दाल की आपने बताया एक पाव जी, और चावल आधा किलो, आधा किलो चावल। अच्छा, आधा किलो चावल में एक मीडियम साइज की प्याज जा रही है, और एक पाव, राइट जी, एक पाव अरहर की दाल जा रही है। तो अच्छा, प्याज अगेन आपको हम पहले ही बता चुके हैं ब्रेक पे जाने से पहले कि यहाँ पे ये जो ऑलरेडी ब्राउन की हुई प्याज है वो यूज़ कर रही हैं, क्योंकि टाइम सेव करने के लिए। लेकिन आप लोग जब घर में बना रहे हों उसको, तो उसी वक्त ही आप जो है वो प्याज ब्राउन करिएगा, तो उसका एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, राइट? बस वो मुझे उठा के दाल जी। अच्छा जी, दाल दे रही हूँ मैं आपको उठा के। अच्छा, ये अच्छे तरीके से गाढ़ी भी हो गई है बिल्कुल, ये और पक भी गई है, ये तैयार है हमारा, वेरी गुड। अच्छा जी, साबुत गरम मसाला डाल के प्याज ब्राउन कर ली। प्याज ब्राउन करने के बाद जो दाल अरहर की हमने उबाल के रखी हुई थी वो डाल दी इसमें। अच्छा, क्योंकि हम चावल बिछा देंगे,
चावल की लेयर लगाएंगे? हाँ, बस इसी तरह इसके ऊपर ही। ओ अच्छा, डबल डबल नहीं करनी है, ऐसे ही करनी है, जिसकी मर्जी है, लेकिन ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा जी, आप देखें किस तरह से लेयर लगा रही हैं। ये चावल उबले हुए हैं? जी उबले हुए हैं। बिरयानी वाले उबले हुए हैं या पूरे प्रॉपर उबले हुए हैं? प्रॉपर उबले हुए। अच्छा जी, चावल जो है आधा किलो प्रॉपर उबले हुए हैं, और अब इन्होंने क्या किया है, दाल भी उबली हुई है, चावल भी उबले हुए हैं, इन्होंने साबुत गर्म मसाला डाल के प्याज ब्राउन करी, एंड देन एक लेयर उन्होंने लगाई उसमें दाल की, और फिर ऊपर से चावल की लेयर लगा दी, और फिर ऊपर से इन्होंने ऑयल डाला और थोड़ा सा उसको चम्मच से ऊपर नीचे किया, ताकि काफ़ी देर से उबले हुए हैं तो ये ड्राई हो गए हैं। अच्छा, इसलिए मैंने इसमें तो ऑयल डाला, थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाएगी इसमें, थोड़ा सा शाइन आ जाएगी चावल में। ओके डन जी। अच्छा जी, और उसके बाद सारे चावल जो है वो डाल दिए हैं, और अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा देंगे, हल्के से दम कर देंगे और दम दे देंगे। अच्छा, 10 मिनट के लिए दम के दे देंगे। ये तो बहुत जल्दी बन गया यार, जबरदस्त। अगर सब तैयार है, बॉयल है, तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। सही है, उसको दम पे देने के बाद हम जाएंगे बनाने, क्या बनाएंगे हम, बोरा फ्राइड चिकन। ओके जी, चलेंगे, ये हो गया दम पे, मैं ये कर देती हूँ स्लो। चलें, आप चिकन की तैयारी करें जी, हमारे पास टाइम कम रह गया है। चलें, इसको हमने दम पे रख दिया। अब यहाँ से चिकन चाहिए आपको? हाँ। अच्छा, ये रही चिकन। अच्छा, चिकन में आपने कुछ मसाला लगाया हुआ है? हाँ, हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला और नमक। ये आप मुझे बताएं आपने क्या किया, सबसे पहले इसका प्रोसीजर बताएं हमें आप। चलें, थोड़ा सा प्रोसीजर बताएं मुझे कि ये क्या है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी, मैं खुद कन्फ्यूज हूँ इसलिए। अच्छा जी, आप देखें चिकन आपने कितना लिया है? आधा किलो। आधा किलो चिकन ली है, इसमें क्या किया? इसके अंदर हरी मिर्चें डाली हैं, पाँच हरी मिर्च पीस के, और गरम मसाला 2 टेबल स्पून पिसा हुआ, पिसा और 1 टेबल स्पून नमक। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक या हसबे जायका, और 5 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के इसमें इन्होंने मिक्स कर लिया और इसको बॉइल। अच्छा, ऐसे ही बनती है प्रोसीजर? ऐसे ही है, क्योंकि बॉडी लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है ग्रीन मसाले को यूज़ करते हैं, तो इसीलिए बस इसमें कोई मसाले वसाले कुछ नहीं जाएंगे इसमें। अच्छा, अंडा आपने, अच्छा आधा किलो चिकन में 1 अंडा क्रैक करना है, ये एज पर योर रिक्वायरमेंट 2। अच्छा, इसमें डाल दें आप। चलें जी, एक और अंडा हमने ले लिया, सही। उसके बाद इसको विस्क कर लेंगे। अच्छा, कुछ नहीं डालना इसमें नमक, काली मिर्च डालना कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 2 अंडे आपने लिए, आपने उसको विस्क कर लिया, सही। अच्छा जी, ये आप करीब कर लें जी, बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ पे बन रही है बोरा फ्राइड चिकन, जिसको 1 कप पानी डाल के उन्होंने बॉईल कर लिया था, यानी कि पानी हमने उतना इस्तेमाल करना है कि पानी उतने में खुश्क हो जाए और चिकन भी गल जाए, वैसे भी चिकन बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा जी, तो अब क्या करना है, अब इन्होंने मसाला लगा के, क्योंकि वो उसमें मसाला पूरा, आप देखें चिकन में जो है वो पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, लिपट गया है पूरा। हाँ, ऐसे ही करना है, ऐसे ही ड्राई नहीं करना है, ड्राई नहीं करना। तो उसके बाद फिर अब क्या कहते हैं, इन्होंने चिकन को अंडे में पहले डिप करा, और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करके डीप फ्राई कर लिया, राइट। अच्छा, इसको चलाना नहीं है चावल को बिल्कुल भी? नहीं चलाना, कुछ नहीं करना है आपको बस। अच्छा जी, मैं दोबारा बता दूँ आपको, पहले इसको एग में डिप करना है, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके दोबारा से एग में आपने डिप करके फिर आपने इसको फ्राई करना है। ऑलराइट, ओके, बाकी की भी करते हैं जब तक मैं यहाँ पे इसको फ्लिप करूँ अभी या नहीं? हाँ, अभी तो नहीं, आई थिंक अभी थोड़ा टाइम है इसको, अभी होगी। चावल ऐसे ही रहने देने अभी? हाँ, ऐसे ही रहने देने थोड़ी देर। अच्छा, इसको गोल्डन ब्राउन करना है हमें या ऐसे ही रहेगी ये थोड़ी सी? नहीं, थोड़ी सी करेंगे ना, लेकिन गोल्डन ब्राउन करेंगे थोड़ी सी। ठीक है जी, सही। अरे, आप लोगों के सारे जितने गुजराती खाने होते हैं उसमें ज़्यादातर हरे मसाले का इस्तेमाल होता है। हाँ, और वो भुनाई वगैरह मेरे ख्याल से इतनी नहीं जितने कि हम लोग, जैसे कि गोश्त भूनना, पहले मसाले को भूनना, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसानी से बन जाते हैं क्विकली। हाँ, क्विकली, लेकिन मसाले बहुत ज़्यादा डलते हैं, बस ये है। मसाले बहुत डलते हैं, कलरफुल भी होना चाहिए, टेस्ट भी होना चाहिए, सही। और आप जो बनाती हैं आपके घर में, आपके खानदान में, स्पेशली ससुराल में, आपके साथ आपकी क्या, कौन सी रेसिपी है, कौन सी डिश मशहूर है? भाई, सभी गुजराती हमारे, क्योंकि खानदान में ही शादी हुई है, तो फिर वो लोग गुजराती खाना खाते हैं और इसी तरह का सारा खाना खाते हैं। नहीं, तो आपके यहाँ पर क्या मशहूर, जैसे कहते हैं ना चावल है, जो मैं जो चीजें मैं यहाँ बना रही हूँ वो बहुत, अभी तो आप जो बना रही है बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी।
अच्छा बॉम्बे बिरयानी जी, गुजराती में बॉम्बे बिरयानी। हाँ बिल्कुल। जब तक चिकन हो रही है फ्राई और चावल हो रहे हैं रेडी, आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। All right, जी, once again, welcome back after the break. आप देख रहे हैं रिवायतों की लज्जत, और रिवायतों की लज्जत में बन रहा है मज़ेदार सा पलीदा दाल चावल और फ्राइड बोहरा चिकन। बोहरा चिकन जो है वो बोहरी में ही बनती है, गुजराती की बहुत फेमस डिश है, और ट्रस्ट मी पूरे स्टूडियो में ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, किसी की इंतहा नहीं है। आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं चावल तो अभी रेडी हो रहे हैं, और पलीदा जो है जो हमने बनाया था दाल के स्टॉक का वो रेडी हो चुका है, उसको डिश आउट कर लिया है। उसको हमने जो है वो चाट मसाले से, गरम मसाला, अच्छा गरम पिसे हुए गरम मसाले के साथ धनिया फ्रेश और फ्रेश मिंट से हमने उसको गार्निश किया है। साथ में हरी चटनी रख सकते हैं आप खाने के लिए, राइट वो है। और फ्राइड बोहरा चिकन जो है वो आपके सामने डिश आउट हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और जी अंगिरा जी, चावल कहाँ तक पहुँचे? चावल रेडी है। चावल रेडी है, चलिए जी चावल भी हम निकाल लेते हैं। दिस इज़ रियली वेरी डिफरेंट समथिंग के जो दाल चावल हैं वो गोश्त के साथ स्टॉक अलग बन रहा है, और चावल जो है वो दाल के साथ अलग बन रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली यू कैन से व्हाट इट्स कॉल्ड एक्चुअल दाल चावल, राइट, जो कि मिक्स करके बन रहे हैं। इट्स रियली वाओ, लुकिंग नाइस, इट्स रियली टेम्पटिंग। हाँ, और अच्छा देखिए कितना कलरफुल लग रहा है, वाइट चावलों के साथ जो है वो येलो कलर का एक दाल का इफेक्ट जो आ रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। एंड इट सीम्स सो टेम्पटिंग ऑल्सो, राइट। अच्छा, और इसको निकालते हैं थोड़ा सा पूरा इसको हम, ताकि थोड़ा सा ऊपर कलर अच्छा लग रहा है। वाकई इट्स रियली इट्स डिलीशियस यार। अच्छा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, वाओ। इसको थोड़ा घी के साथ भी, जो घी लोग खाते हैं उसके साथ भी बनाया जा सकता है, लेकिन अच्छा घी के साथ, वाओ। अच्छा जी, आप इसको घी के साथ भी बना सकते हैं, घी तो अगेन फिर हम कहते हैं, लेकिन अगर देसी घी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो देसी घी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता, राइट। अच्छा जी, इसके हम थोड़े से कॉर्नर क्लीन कर देते हैं। ऑलराइट, अच्छा जी, तो रेडी है हमारा पलीदा दाल चावल, ये इसके साथ हम पेयर कर देते हैं कि इसके साथ खाया जाता है, राइट, ऐसे ही जी, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, अच्छा फ्राइड चिकन ज़रूरी है इसके साथ बनती है, या जस्ट आपने वैसे ही एक सेकंड रेसिपी जो है वो आपने नहीं, वैसे बनाई तो है इसको सेकंड रेसिपी बनाई है, जैसे बहुत सारे लोग दाल चावल के साथ शामी कबाब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसी अच्छा अच्छा ऐसे शामी कबाब दाल चावल के साथ खाए जाते हैं, तो आप फ्राइड चिकन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, गोश्त का यूज़ करते हैं, मटन का यूज़ करते हैं, तो फिर इसीलिए, लेकिन इसमें मटन भी है, मटन लोग सादा भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग मटन वाला बनाते हैं। नहीं, वाकई पलीदा दाल चावल जो है ये वाकई बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लग रही है, और ऑथेंटिक तरीके से जिस तरह से उन्होंने बनाई है, गुजराती तरीके से वो लग रही है। और फ्राइड चिकन तो आप जो है वो कभी आपके घर में कोई दावत हो या बच्चों को, अक्सर हम रोज़ बना बना के देते हैं, बच्चे थक जाते हैं एक चीज़ से, आप बच्चों को लंच बॉक्स भी बना के दे सकते हैं, अब तो ऐसे भी स्कूल्स जो है वो जाना शुरू कर देंगे बच्चे, तो आप देख के उसमें बना के दे सकते हैं आप। ऑलराइट जी, जब हमारी तीनों चीज़ें जो है वो रेडी हो चुकी हैं, लेकिन आप जाके देखिए एक रेसिपी कार्ड का रीकैप। पलीदा दाल चावल, अज्जा, अरहर की दाल 1 पाव, तेल 1 कप, चावल आधा किलो, बकरे का गोश्त आधा पाव, प्याज 2 अदर, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका, मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, इमली का पानी 1 खाने का चम्मच, बेसन 2 खाने के चम्मच, बाजरे का आटा 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 2 से 3 अदर, पुदीना 5 से 7 पत्ते, टमाटर 1 अदर, साबुत कश्मीरी मिर्च 2 अदर, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 2 अदर, तेज़पत्ता 2 से 3 पत्ते, लौंग 3 से 4 अदद। तरकीब, पलीदा, पैन में दाल उबाल लें, दाल उबलने पर पैन से दाल निकाल लें, और बचे हुए पानी में लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और इमली का पानी शामिल कर लें। अलग पैन में तेल गरम करें, इसमें प्याज को लाल करें और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, और इसमें दाल के पानी का मिक्स शामिल करके इतना पका लें कि उबाल आ जाए, फिर इसमें बकरे का गोश्त, बेसन और बाजरे का आटा शामिल करके दरमियानी आंच पर पकाकर गाढ़ा कर लें, आखिर में टमाटर, पुदीना, कश्मीरी मिर्च और हरी मिर्च शामिल करके हल्की आंच पर दम लगा लें। दाल चावल,
पैन में तेल, तेज़पत्ता, ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग और प्याज डालकर प्याज लाल कर लें। फिर इसमें उबली हुई दाल और चावल तय लगाकर शामिल करके दम लगा लें। बोहरा फ्राइड चिकन। अज्जा, मुर्गी आधा किलो, तेल एक कप, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, पिसा गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, नमक हसबे ज़ायका, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 कप, पानी 1 कप। तरकीब। पैन में पानी, हरी मिर्च, पिसा गरम मसाला, नमक और मुर्गी डालकर इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। फिर मुर्गी को अंडा और ब्रेड क्रम्स लपेट कर दरमियानी आंच पर तल लें। बोरा फ्राइड चिकन तैयार है। जी जनाब, आई एम श्योर रेसिपी कार्ड जो है वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि हमारी आज की रेसिपीज जो थी वो बहुत ही मज़ेदार की थी, डिफरेंट थी और बिल्कुल अलग तरीके से बनने वाली थी। एक तो हमारे पलीदा दाल चावल जो अनिला जी ने थे मज़े के बना, डिफरेंट तरीके से बनाए, अपनी फैमिली के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक देकर ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। और प्लस बोरा चिकन जो है वो बच्चे बहुत शौक से खा सकते हैं, रोज़ खा खा के अगर आप बोर हो गए हैं तो ये फ्राइड चिकन जो है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं अनिला जी का थैंक्स कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच अनिला जी, आप इतना टाइम निकाल के हमारे पास आई हमारे शो में और आपने अपनी फैमिली की जो एक ट्रेडिशनल रेसिपी थी वो हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच आप लोगों का सबका, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच जी। और जी जनाब, आप लोग जो है वो हमें अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे लगी हमारा आज का एपिसोड। और इसी के साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में ऐसी कोई रेसिपी है जो जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है और आप चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आना और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना, तो ज़रूर हमें बताइएगा, हम आपको अपने शो पे इनवाइट करेंगे और आपके थ्रू आपकी रेसिपी जो है वो जाएगी तमाम पाकिस्तान में और हर किसी को देखने के लिए और वो भी सीख जाएंगे कि कैसे बनाते हैं आपकी स्पेशल रेसिपी। और इसी के साथ ही लेती हूँ आपसे आज के लिए इजाज़त, लेकिन इसी प्रॉमिस के साथ कि फिर मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।